हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। और यहाँ पे जो है ना लास्ट डे था स्कूल का, तो हम लोग आपस में सारे टीचर्स लोग मिल करके और कलर खेल रहे थे। क्योंकि जब हम लोग मैंने ही कहा था कि हम लोग अब लास्ट डे है, हम लोग निकल जाएंगे, तो क्यों ना थोड़ा सा गुलाल लगाया जाए। तो ये सारे सर लोग हैं और मैडम लोग हैं, तो यहाँ पे हम लोग छोटी सी होली अपनी स्टार्ट कर दी है मैंने। और अभी हम स्कूल से आ गए हैं, ये मेरे चेहरे पे कलर लगा हुआ है। अभी हम जस्ट नहा के निकले हैं, कलर बिल्कुल भी नहीं छूटा, मतलब छूटा थोड़ा थोड़ा अभी भी रह गया है। और किट्टू को लगा था यहाँ पे भूख, तो हम उसको खाना दे दिए हैं। ये देखिए, दिखाओ भूखकर अपना मुंह। तो अब हम जो है लग जाते हैं होली की तैयारी में। बहुत सारी चीज़ें मैंने सोच के रखी बनानी है। मैं ये मॉर्निंग में धनिया पत्ती वॉश करके गई थी धूप लगने के लिए। मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं मिला कि इसको हम फ्रिज में रख सके। 1 मिनट। तो अब जो है मैंने गैस पे यहाँ पे मैंने सब्जी बनाई हुई थी और थोड़ा सा चावल बचा हुआ है, थोड़ी सी सब्जी, मैं इसे खाली कर लूँगी। उसके बाद जो है हम बनाएंगे कुछ कुछ नमकीन भुजिया वगैरह, ये सारी चीज़ें, क्योंकि कल है, अभी परसों है होली, तो उसकी तैयारी करनी है अभी से। आज मेरा लास्ट डे था स्कूल में, तो आज से छुट्टी हो गई है। लग जाते हैं अपने कामों में। मॉर्निंग में जो है ना यहाँ पे हम ये देखिए, ये जितने हो सकते हैं बर्तन वगैरह क्लीन करके मैं जाती हूँ, ताकि मुझे आने के बाद कम से कम काम करना पड़े। तो मैं लग जाती हूँ अपना किचन क्लीनिंग में, इसके बाद स्टार्ट करती हूँ अपना। मैं गई थी यहाँ पे आलू और कटहल की बहुत ही यमी सी सब्जी बना के, इसकी रेसिपी मैं कल सी और दिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फिलहाल तो मैं इसे खाली कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं क्या क्या बनाने वाली हूँ, तो उसका मैं आपको रेसिपीज़ शेयर करने जा रही हूँ। जो जो मतलब कोई रेसिपी खास नहीं है, ऐसे तो बहुत सारे यूट्यूब पे मिल जाते हैं। मैं बस थोड़े बहुत अपने तरीके से यहाँ पे शेयर कर रही है। मैंने थोड़े से चना दाल और थोड़ा सा मूंग दाल लिया है। मैं इसके मिक्सर बनाने वाली हूँ, तो यहाँ पे मैंने बेकिंग सोडा डाल करके दोनों को भिगोने के लिए छोड़ दिया था। सबसे स्टार्टिंग में मैंने यहीं से स्टार्ट किया था दोनों को। मैं पानी डाल करके इस तरीके से बेकिंग सोडा के साथ लगभग 6-7 घंटे के लिए मैंने इसे छोड़ दिया था। और ये सारे काम जो है ना, मैं स्कूल से वापस आने के बाद कर रही हूँ, तो ये लगभग इवनिंग का टाइम ही है। तो वन बाय वन करके मैंने, और ऐसे करके मैंने इसे ढक के छोड़ दिया था लगभग 6-7 घंटों के लिए। इधर मैं काबुली चने भी उसी तरह से बेकिंग सोडा डाल करके मैं रखने वाली हूँ, और इसके भी मैं वो चना बनाने वाली हूँ, फ्राई वाले जो होते हैं ना मिक्सर, वो बनाने वाली हूँ। तो इन तीनों को मैंने सेपरेट कर दिया था। उसके बाद मैं सोच रही थी 2-3 तरह की नमकीन वगैरह बनाऊँ, तो यहाँ पे मैं मैदा ले रही हूँ। और सबसे पहले मैं इसे ये जो बनाने वाली हूँ ना, इस पर मैंने थोड़ा सा बेकिंग सोडा और ऑयल डालूंगी इसमें। और ये नमकीन नहीं बनने वाला है, ये मीठा वाला बनने वाला, जिसको साकरपारा बोलते हैं या कुछ ऐसे ही बोलते हैं दूसरी भाषा में, हमारे यहाँ कुछ और ही बोला जाता है, तो मैं वही बोल देती हूँ। तो ये मैं बस वो बनाने वाली हूँ। ये देखिए इस तरीके से मैंने सिर्फ इसमें मोयन डाला हुआ है और कुछ नहीं, पानी के साथ में इसे गूंद करके एक साइड में रख दूँ, क्योंकि मैदे को पहले ही डो बना के तैयार कर लेने से अच्छा रहता है, क्योंकि उसे थोड़ा सा रेस्ट टाइम दिया जाता है। अगर रेस्ट टाइम नहीं दोगे तो वो और अच्छे से खिल के नहीं आएगा।
और यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलौंजी, बेकिंग सोडा और थोड़ा सा अजवाइन, इसके मैं नमकीन बनाने वाली हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं ऐड करके और नमकीन बनाऊँगी, और थोड़ा सा नमक, बिना नमक के तो नमकीन बनने से रहा, तो इसलिए थोड़ा सा नमक तो सबसे ज़रूरी चीज़ है। फिर मैं इसमें भी थोड़े से मोइन डाल करके, नमकीन में ना मोइन थोड़े ज़्यादा जाता है, तो वो आप उस हिसाब से जितनी आपकी क्वांटिटी हो वैसे ही आप उसमें डालिए। जैसे कि मिक्स करने के बाद होता है ना, एक मुट्ठी बंद सा हो जाना चाहिए उस टाइप का। ये देखिए यहाँ पे, तो ये दोनों मैदा को मैंने मिक्स करके और अच्छे से डो बना करके इसे मैंने रख दिया था लगभग 1 से 1.5 घंटे के लिए। उसके बाद जो है यहाँ पर मैं इसे तलने के स्टार्ट करने वाली हूँ। ये किट्टू की सतानी है, ये देखिए कितना सुंदर सा शेप में सारे के सारे कटे हुए हैं। और यहाँ पर मेरे ऑयल भी गर्म हो चुके हैं, मैं उसमें ये एक एक करके डालने वाली हूँ। ऐसे सारे चिपक जाते हैं उसको निकालने में, बट वो धीरे धीरे करके जैसे तेल में जाता है ना, सब अलग अलग इस तरीके से यहाँ पे देखिए ऐसे अलग अलग सारे सेपरेट हो जाते हैं। ऐसे बहुत ही मीडियम फ्लेम पे पकाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम पे बनाओगे ना तो वो फिर क्या होगा कि ऊपर वाले तो पार्ट जो है जल जाएंगे बट अंदर वाले कच्चे रह जाएंगे। इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस के साथ उसे बनाना है ताकि वो अंदर तक क्रंची हो जाए अच्छे से। और यहाँ पे मैं इस तरीके से बनाते जा रही थी। मुझे ये वाले नाइफ बहुत पसंद है, इसलिए मैं सारे काम जो है इसी से करती हूँ। इतना फास्ट मेरा मतलब बहुत सारे हो गए थे ना, तो करते करते मेरा मतलब हाथ में लग रहा था, मतलब टेंशन सा हो रहा था कि बाप रे मैं कब इसे क्लियर कर पाऊँगी। इतना सारा मैंने स्टार्ट तो कर दिया है लेकिन करूँगी कब तक। और यहाँ पे देखिए लाइट पिंक या टाइप का ब्राउन टाइप का हल्का हल्का होने लगा है, उसके बाद में इसे निकाल दूंगी। इधर मैं जो है ना बेसन, मुझे बेसन का भी भुजिया बनाना था। मेरे पास मेरा जो वो चकली वगैरह बनाने वाले होते हैं ना, वो खो गया था कहीं पे, तो मुझे मन करा था थोड़ा थोड़ा भुजिया कुछ डिफरेंट टाइप में बना लेते हो। तो मेरे पास एक ये वाला था, ये टूट चुका था, तो मैंने बस ऐसे ही ट्राई करने के लिए कि देखती हूँ किस टाइप का बनता है ये, तो अच्छा सा बन गया था, एक इन्वेंट हो गया मेरा। अगर आपके पास नहीं होना तो इस तरीके से ये छोटा सा जो होता है ना चनोटा जिसको बोलते हैं, उसमें काफ़ी अच्छा सा क्रंची टाइप का बन गया था। इसमें मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए थे, आमचूर पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और काली मिर्च पाउडर, अजवाइन, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें अच्छे से मिक्स कर दी थी, और रेड चिल्ली पाउडर भी मैंने इसमें ऐड किया था। तो ये बिल्कुल मसाले वाले बन गए, तो मैंने थोड़ा सा रेडी तैयार किया था कि देखते कैसा बनता है, बट बहुत अच्छा बन गया था। तो एक ये मेरा एक टाइप का ये बेसन वाला नमकीन मेरा बन के रेडी हो गया था। अब देख पा रही हो छोटे छोटे से निकले हुए हैं, थोड़ा सा लंबा है। अगर मैं पतला घोल बनाती तो इसमें छनोटा में क्या होता है ना कि वो बूंदी बन के तैयार होता है, लेकिन हल्का सा मैंने उसे घिस दिया था तो थोड़ा थोड़ा लंबा टाइप का ही छोटे छोटे भुजिया का शेप में ये देखिए, और काफ़ी क्रंची बना था। मैंने इसे थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे काफ़ी देर तक इसे पकाया था। ये देखिए कितना क्रंची सब बन करके तैयार हो गया है। और मैं यहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप में नमकीन बना रही थी। एक मैं ये इस डिज़ाइन का नमकीन बना रही थी, ये काफ़ी इजीली बन जाता है। We'll be right back.
और यहाँ पे मैंने जो चने की दाल और मूंग दाल को सोख करके रखा हुआ था ना, तो उसे मैंने अच्छे से फैन के नीचे डाल दिया था। अच्छे से सोख होने के बाद उसकी सारा पानी जो है ना वो अच्छे से सूख गया था। तो उसके बाद मैंने बहुत ही ज़्यादा गरम तेल में इस तरीके से इसे डाल दिया था। और इसमें थोड़ा सा टाइम जाता है इसे बनाने में। तो इस तरीके से मैंने मूंग दाल और चने दाल दोनों को फ्राई कर लिया था। और यहाँ पे जो है मैंने मीठा वाला जो बनाया था ना, उसमें यहाँ पे मैंने चीनी लगा के रख दिया था इस तरीके से। इतने सारे काम हो गए थे ना कि सारी चीज़ें मैं सूट नहीं कर पाई थी। और मैंने चना दाल जब मेरा बन के रेडी हो गया था, उसमें मैंने चाट मसाला, आमचूर पाउडर और रेड चिल्ली पाउडर और फिर पिंक सॉल्ट, ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से ऐड कर दी थी। तो इसके बाद ये मसाला चना दाल मेरा बन करके परफेक्ट वाला रेडी हो गया था। बहुत क्रंची बना था। और यहाँ पे मैंने बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में नमकीन बनाया हुआ था, कुछ छोटे, कुछ लंबे, कुछ बड़े, जैसे कुछ पापड़ी टाइप्स, इस टाइप के मैंने कुछ बहुत तरीके से डिफरेंट डिफरेंट वेज में मैंने बनाया हुआ था नमकीन। ये सारी चीज़ें होती है ना काफ़ी टाइम तक चल जाती है, इसे आप स्टोर करके, बहुत सारी बना करके स्टोर करके रख सकते हो। चाय के साथ ये बहुत अच्छा स्नैक्स होता है। ये देखिए मैंने कितने टाइप के बना करके रेडी किए थे। ऐसे भी आप घर में इसे बना करके ना रखिए, तो आपके स्नैक्स बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो जाएंगे। कभी भी कोई आए तो आप इसे चाय के साथ आराम से सर्व कर सकते हो। तो कुछ मैंने मोटे वाले बनाए थे, कुछ पतले वाले बनाए थे, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मैंने इसे बनाया था। या फिर मेरा ये बेसन का भुजिया और ये चना दाल, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बन के रेडी हो गई थी। तो ये तो थी मेरी होली की प्रिपरेशन जो कि मैंने की हुई थी। अब नेक्स्ट वीडियो जो है मैं दोनों एक ही साथ अपलोड करूँगी, होली वाली भी और ये होली की पहले वाली भी, होली की तैयारी वाली भी। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। तब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।